मैं आई कमिंग सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। जी कभी बैठिए। थैंक यू सर। दीपक जी अपने नाम क्या है? केवल दीपक लिखा है, कोई सरनेम नहीं? जी सर। अच्छा, पापा जी का नाम क्या है? हौसला। हौसला जी सर। आप अम्बेडकर नगर के निवासी हैं। जी सर। अम्बेडकर नगर के बारे में कुछ बताइए हम लोगों को। सर जो है अम्बेडकर नगर 1995 में फैजाबाद जिले से अलग होकर इसको सर बनाया गया था, ताकि अच्छा प्रशासन वहाँ पर सर दिया जा सके। तो यहाँ का सर एक जिला एक उत्पाद के तहत वस्त्र उद्योग यहाँ का काफ़ी फेमस है, और यहाँ पे सर प्रसिद्ध स्थलों में गोविंद साहब का मंदिर काफ़ी फेमस है, और किछौछा दरगाह भी राष्ट्रीय स्तर पे काफ़ी प्रसिद्ध है। अम्बेडकर नगर जो है, और अगर उसका ऐतिहासिक महत्व पूछा जाए तो कुछ है? सॉरी सर, ऐतिहासिक महत्व मुझे नहीं दिखा। किन के नाम पर रखा गया अम्बेडकर नगर? अम्बेडकर नगर सर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पे रखा गया था। क्या आपको लगता है कि अम्बेडकर नगर को अलग कर दिया गया है फैजाबाद से, तो अम्बेडकर नगर को कुछ लाभ हुआ? जी सर, इसका लाभ काफ़ी स्तर पर देखने को मिला। जैसे सर जब मुख्यालय फैजाबाद था तो हम लोगों को सर कोई भी समस्या रहती थी तो सर फैजाबाद दूर था, काफ़ी जाना पड़ता था। अब हमारा मुख्यालय सर निकट हो गया है, प्लस काफ़ी चीज़ों का विकास सर हुआ है अलग होने के बाद। जैसे मील वगैरह हमारे मुख्यालय पे सर बनाई गई थी, जिससे किसानों को भी काफ़ी स्तर पर सर लाभ हुआ। दीपक आपका सिलेक्शन हुआ, सबसे पहले जानकारी किसको देना चाहेंगे आप? सर सबसे पहले मैं इसकी जानकारी अपने माता पिता को सर देना चाहूँगा, फिर अपने परिवार वालों को दूंगा सर। परिवार वालों को? माता पिता के अलावा? माता पिता के अलावा सर भाई बहन और मित्रों को सर देना चाहूँगा। हम लोगों ने बताएंगे? बताएंगे सर आप लोगों को। अच्छा जी। और अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तब फिर क्या योजना है? तब भी सर घर वालों से बात करेंगे कि मतलब मेरा इस बार नहीं हुआ और आगे के लिए मैं सर काफ़ी और सही बात है, आगे की क्या योजनाएं हैं अगर नहीं हुआ इस बार तो फिर आगे क्या करेंगे? आगे सर मैं फिर से सर प्रयास करूंगा, आगे का मेंस मतलब अच्छे से दूंगा और अपनी जो कमियां है सर उस पर अच्छा वर्क करूंगा सर। आपको क्या लगता है इस बार आपका मुख्य परीक्षा कैसा गया? मुख्य परीक्षा सर ठीक गया है। बढ़िया गया जी। इसी बार क्यों नहीं होगा सर? मतलब मार्क्स का सर अंदाजा नहीं है मुझे, कितने मार्क्स सभी मिले होंगे। तो उत्तर ये भी तो हो सकता था कि सर इस बार मेरा पूरा विश्वास है कि मेरा हो ही जाएगा, पहले ये बोलना ना मेरा हो ही जाएगा, ना ही हुआ फिर देखा जाएगा। जी। फिर हम लोग कहते हैं कि मान लो कि अगर तुम्हारा नहीं हुआ तब आपका उत्तर होना चाहिए वैसा। सर ठीक है। आपने हॉबी में कुछ नहीं दिया? सर मेरी हॉबी क्रिकेट खेलना है सर खाली समय में, और गाने सुनना है। अच्छा, क्रिकेट खेलते हैं? जी क्रिकेट में खेलता हूँ। बैटिंग करते हैं बॉलिंग करते हैं बताइए? सर ऑलराउंडर हूँ मैं। अच्छा जी। कौन सा ऑलराउंडर पसंद है आपको? मुझे सर रविंद्र जडेजा सबसे ज़्यादा मतलब मेरे पसंद है। आप भी स्पिन गेंदबाजी करते हैं क्या? जी मैं भी स्पिनर हूँ सर। अच्छा अच्छा, रविंद्र जडेजा की गेंदबाजी में क्या ऐसा लगता है लोग उसको नहीं खेल पाते हैं? सर जो बॉल है उनकी टर्न होती है आप साइड में टर्न होती है, तो जो है दाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए थोड़ा ज़्यादा कठिनता होती है उनको रविंद्र जडेजा को खेलना सर। जी। लेकिन विकेट तो सबसे ज़्यादा उन्होंने बाएं हाथ के बल्लेबाजों का लिया। विकेट का सर मुझे पूरा ध्यान नहीं है। उसमें सर ऐसा होता है मतलब बाल में जो कला बाल को सर कलाइयों के माध्यम से घुमाया जाता है उंगलियों से, हर स्पिनर घुमाता है कलाई से उंगलियों से, गेंदबाज सर उसको भाप नहीं पाता है कि कहाँ पे बॉल किस ओर टर्न होगी। आप स्पिन गेंदबाजी करते हैं? जी। कहाँ से घुमाते हैं गेंद को? नीचे अंगुली से सर कलाई। तो वो भी तो ही करते हैं, हर स्पिन गेंदबाज जो है वो उंगली का ही प्रयोग करता है, तेज गेंदबाज कलाई का प्रयोग करता है। जी। तो चाइना मन गेंद की विशेषता क्या होगी सर? पूरा क्लियर नहीं है चाइना। आपका जो है वैकल्पिक विषय राजनीतिक विज्ञान है। जी। चलिए सर से पूछेंगे, आप ये बताइए हमको कि राजनीतिक विज्ञान जो विषय है वो आपको प्रशासन में यहाँ
कैसे मदद करने वाला है? सर, राजनीतिक विज्ञान के द्वारा हम सर प्रशासन से, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों से, चूंकि ग्रामीण भारत की जो आत्मा सर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करती रहती है, और मैं सर प्रशासन में ग्रामीण क्षेत्रों से राजनीतिक विज्ञान के माध्यम से अच्छे से सर जुड़ सकता हूँ, उनसे वार्ता वगैरह अच्छे से कर सकता हूँ सर, और उनको संतुष्ट कर सकता हूँ। आपकी जगह पर एक समाजशास्त्र के अभ्यर्थी का सिलेक्शन क्यों नहीं किया जाए? वो तो ज़्यादा बेहतर तरीके से जुड़ पाएगा, क्योंकि समाज के हर पक्ष और पहलू को वो जानता है। राजनीतिक विज्ञान का जो विशेषज्ञ है या राजनीतिक विज्ञान का एक अभ्यर्थी है, वो तो केवल राजनीतिक विचारों को समझता है ना, लेकिन एक समाजशास्त्र के अगर अभ्यर्थी को चुन करके भेजा जाए अधिकारी के रूप में, तो वो तो समाज से ज़्यादा अपने आप को जोड़ पाएगा ना बेहतर तरीके से। जी, जैसे सर कोई भी विषय अपने आप में सर वो हर पहलू से जुड़ा होता है। जैसे राजनीतिक विज्ञान है, ये भी सर समाज से, मतलब समाज से भी जुड़ा है, अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा है। इसमें सर हमको हर पहलू को सीखने को सर मिलता है, समाज को भी सीखने को अवसर इसमें मिलता है। राजनीतिक विज्ञान में सर जैसे, मतलब नील निरीक्षक तत्व में ही सर बताया गया है कि जो ये, मतलब संपत्ति पे अधिकार है, ये सभी का सभी को बराबर मिलना चाहिए और किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए सर। जमींदारी वगैरह का उन्मूलन के लिए अधिनियम वगैरह सर बनाया गया है, ये आर्थिक रूप से जुड़ा है सर। कब बनाया गया जमींदारी उन्मूलन कानून? कब बनाया गया? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। सर, अभी आप बता रहे थे कि संविधान में अर्थ के बारे में ढेर सारी चर्चा है, ठीक है, बजट के बारे में भी चर्चा है। जी सर, क्या नाम है बजट का कॉन्स्टिट्यूशन में? बजट का नाम सर अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक विवरण उसका नाम दिया गया है। वार्षिक विवरण है कि और कुछ है? सॉरी सर, पूरा किसके बारे में है वो? आय का, आय का। तो वित्तीय विवरण है ना? जी, क्या है वार्षिक वित्तीय विवरण? मैं सही बता रहा हूँ? एग्जैक्ट सर नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ सर। चलिए, राजनीति शास्त्र के जनक कौन कहे जाते हैं? राजनीति शास्त्र के जनक सर इनको माना, अरस्तु को सर माना जाता है। क्या नाम है किताब का? किताब सर नहीं जाना सर। आपने मार्क्स को पढ़ा है? जी सर। उनकी किताब पता है? उनकी किताब पूरे मार्क्सवाद का बाइबिल मानी जाती है। जी सर। क्या नाम है उस किताब का? सॉरी सर, मेरी दास कैपिटल। जी, दास कैपिटल सर सुने पढ़े। यही है जी, उन्हीं की है दास कैपिटल सर, उन्हीं की बुक है। कन्फर्म? जी। तो उनका जो सिद्धांत है वर्ग संघर्ष का, जी, क्या है सर? कार्ल मार्क्स का मानना था कि इतिहास में सर जितना भी वर्ग आया है उसमें सर संघर्ष देखने को मिला है, और ये संघर्ष सर पूंजीवादी अवस्था में ज़्यादा दिखाई दिया है। और मार्क्स सर ये मानता है कि, मतलब मार्क्स का लक्ष्य ही यही था सर कि पूंजीवादी अवस्था में क्यों ज़्यादा दिखाई दे रहा है? पूंजीवादी व्यवस्था में सर शोषण में, वो कहता है सभी अवस्थाओं में वर्ग संघर्ष रहा है। जी, आदिम अवस्था में भी रहा है। जी, आदिम अवस्था में भी रहा है, चूंकि व्यक्ति सर स्वार्थी। आदिम अवस्था को क्या कहता है वो? सॉरी सर, आदिम अवस्था को आदिम साम्यवादी अवस्था कहता है, वहां कहां वर्ग संघर्ष है। चलिए, बाबा साहब में और मार्क्स में क्या समानता है? सर, बाबा साहब ने भी सर समाज के निम्न वर्गों के हितों की बात करते हैं, और कार्ल मार्क्स भी सर समाज के जो निम्न वर्ग हैं, जिसको बुजुर्गवा वर्ग कहा जाता है, उससे बचाने की बात सर करता है। बुजुर्गवा वर्ग कहते हैं उसको, निम्न वर्ग को? नहीं सर, पूंजीवादी को बुजुर्गवा वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं निम्न वर्ग को मार्क्स? सर ध्यान नहीं। आराम से बोलिए, क्यों परेशान हो रहे हैं? ये तो बहुत प्रचलित टर्म है, आप पढ़े भी होंगे, सर्वहारा वर्ग। सर्वहारा वर्ग, थैंक यू सर। आप अम्बेडकर नगर के हैं जी, और बाबा साहब की भी चर्चा हुई थी, इनका पूरा नाम क्या है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यही है सर, मुझे यही जानकारी है, पूरा नहीं क्लियर है सर। इनका पूरा नाम पता होना चाहिए, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। जी सर, थैंक यू। कौन सा राजनीतिक विचारक आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है? मुझको सर सबसे ज़्यादा कार्ल मार्क्स ही प्रभावित करता है, कार्ल मार्क्स के विचार सर मुझे ज़्यादा। क्यों?
क्योंकि सर इसने समाज में जो है पूंजीपति वर्ग द्वारा जो है संपत्ति का केंद्रण जो है किया गया है उससे सर समाज दो भागों में दिखाई देता है, सर इसको समाप्त करने की बात करता है सर मार्क्स। अब तो कहा जा रहा है कि मार्क्स, जैसे किसी ने कहा था कि मार्क्स उल्टा खड़ा था, मैंने उसको सीधा कर दिया है, अपने सिर के बल खड़ा था, मैंने उसको सीधा कर दिया है। जी सर पढ़े हैं लेकिन इस टाइम सर ध्यान नहीं आ रहा है। राजनीति में रामराज की बात कही जाती है, जी सर रामराज की जी सुना है आपने? जी रामराज सर, रामराज सुने। कौन इसके कि, कौन किसने इसको पॉइंट किया है आधुनिक परिपेक्ष्य में? महात्मा गांधी जी सर बताए थे क्या है उनका राम, महात्मा गांधी के रामराज का मतलब क्या है? सर महात्मा गांधी का मानना था कि रामराज मतलब एक ऐसा राज्य है जिसमें राज्य की धारणा नहीं रहेगी, लोग अपने विचार से मतलब समाज का संचालन करेंगे सर। कहाँ रामराज सही था? वो शूद्र को मार दिए गोली से, वो तीर से अपनी पत्नी को बाहर निकाल दिए। आप ऐसे राज्य को लाना चाहते हैं? मतलब आप भी अपनी पत्नी को बाहर निकालेंगे, कोई वंचित वर्ग होगा तो उसको तीर कमान या गोली से उड़ा देंगे? नहीं सर, तो फिर रामराज तो सही नहीं है। रामराज की धारणा सर ज़्यादा उनकी प्रासंगिक नहीं हुई थी। प्रासंगिक नहीं है? कुछ स्तरों पर सर देखने को मिलता है रामराज की धारणा। कहाँ क्या गलतियाँ हैं उसमें, क्या खामियाँ हैं रामराज में? उसमें सर यही गलती है कि इन्होंने जो कहा कि राज नहीं होना चाहिए, लेकिन सर राज भी कभी राज भी हितों का, वर्गों के हितों का काम करता है सर। योगी के राज को आप किस रूप में देख रहे हैं? वो कहते हैं हम राम राज लाए, सर देख सकते हैं राम राज। मतलब वो भी उस वर्ग के प्रति, उस वर्ग को उड़ाना चाहते हैं? नहीं सर ऐसा नहीं, फिर इसमें सर सभी वर्गों का कल्याण मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक, आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, ये समाजवाद और साम्यवाद के संबंध पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जी मार्क्स का सर मानना था कि जो है साम्यवादी अवस्था के पूर्व एक संक्रमणकालीन अवस्था होगी सर, जिसको हम सर समाजवाद कहेंगे, फिर वो उसी का उच्च स्तर साम्यवाद कहलाएगा सर, जिसमें वर्ग विहीन जो होगा, इसमें कोई वर्ग नहीं रहेगा सर। और क्या विशेषता होगी सर? मुझे एक ही ध्यान आ रहा है, नेहरू जी का कौन सा समाजवाद था सर? ध्यान नहीं, सॉरी। लोकतांत्रिक समाजवाद क्या होता है? लोकतांत्रिक समाजवाद का आशय सर है कि लोकतांत्रिक रूप से सर समाज के सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा जाए सर, जैसे भारत के संविधान में सर नीति निदेशक तत्व में सर लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना की बात की गई है, सभी वर्गों का सर ध्यान रखा गया। अच्छा, आपको जो समाजवादी दल दिखते हैं जी, कहीं उनके बातों में विरोधाभास नहीं लगता है कि समाजवादी दल के नाम पर सिर्फ समाजवाद है, और क्या तो उनको परिवार को बढ़ावा दे रहा है या आपको लगता है कि नहीं लगता है? सॉरी सर मेरी काल नहीं। लोहिया जी का कौन सा समाजवाद था? नहीं ध्यान आ रहा सर। अच्छा, इसमें भारत और रशिया के संबंध किस रूप में हम देख रहे हैं? भारत को रशिया से संबंध रखना चाहिए जैसे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में है कि दबाव बनना है कि रशिया से अलग होइए सर? जी रखना चाहिए संबंध कि नहीं रखना चाहिए? भारत सर रूस का सदाबहार मित्र राष्ट्र रहा है, उसके संबंध सर रशिया से हमेशा ही अच्छे ही रहे हैं। जैसे सर वहाँ पे साइबेरिया के क्षेत्र में संसाधन का दोहन का बात हुआ, अभी हाल ही में सर उत्तर दक्षिण अंतर्राष्ट्रीय परिवहन गलियारा की बात की जा रही है, जिसमें सर जिसके संचालन में सर रूस की महत्वपूर्ण भूमिका है। रूस के साथ सर सुरक्षा पर भी इंद्र नेवी अभ्यास चलाया जाता है सर। अच्छा, रूस के कृत्य को आप किस रूप में मूल्यांकन करना चाहेंगे रूस और यूक्रेन के युद्ध के संदर्भ में? क्या सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। रूस और यूक्रेन के युद्ध के संदर्भ में जी सर, रूस के कार्रवाई को किस रूप में आप वर्णन करना चाहेंगे, सही है कि नहीं सही है? सर राजनीति में राष्ट्र हित किसी भी राष्ट्र के लिए सर्वप्रथम होता है सर, वो अपने हितों को सबसे पहले रखना चाहता है। इसी पृष्ठभूमि में सर यूक्रेन द्वारा सर नाटो की सदस्यता की बात आने पे रूस को लगा कि उसका हित सर प्रभावित होगा। कितने सदस्य हो गए नाटो में सर? एग्जैक्ट डाटा याद नहीं है, लेकिन सर आप बताएं, मतलब आप कहिए तो सर अंदाज लगा 49 मुझको सर लगता है, लेकिन 30 है? सॉरी सर मैं पूरा श्योर नहीं। अच्छा अच्छा, ये बताइए विदेश नीति के तत्व क्या क्या हैं, कैसे निर्धारित की जाती है विदेश नीति? विदेश नीति सर
महत्वपूर्ण तत्व निम्नलिखित हैं, जैसे सर सबसे महत्वपूर्ण हो गया जनसंख्या, दूसरा हो गया सर संसाधन। किसी भी देश में जैसे विदेश नीति निर्धारित की जाती है तो वहाँ संसाधन देखा जाता है कि कैसा संसाधन, जैसे भारत है तो यहाँ पे तेल का सर अभाव है तो भारत पश्चिम एशिया देशों के साथ सर संबंध बना रहा है, इसराइल के साथ संबंध बना रहा है। फिर है उसकी सीमा कैसी है, जैसे भारत की सीमा डिस्प्यूटेड है, चाइना है, पाकिस्तान है, तो वो चले ठीक है रूस के साथ बना रहा है। पंचशील के पांचों तत्व क्या क्या हैं? पंचशील के सर पहला तत्व है सभी देश की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए, दूसरा है युद्ध नहीं करना चाहिए, तीसरा है हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए किसी भी देश को अन्य राष्ट्रों में, दो सर ध्यान नहीं आ रहा सॉरी, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व जी सॉरी। एक अंतिम क्वेश्चन है, बताइए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय यानी इंटरनेशनल फंडिंग क्या है और इसमें एथिकल मुद्दे क्या क्या आ रहे हैं? सर अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग का मतलब है सर विश्व के सभी देशों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने जाने का एक प्रावधान है सर। इसमें वर्तमान में अनेक मुद्दे हैं, जैसे सर WTO हो गया या विश्व बैंक हो गया या IMF हो गया, इसमें सर कुछ ही देशों का प्रभाव अधिक है, जैसे अमेरिका का WTO पे है, विश्व बैंक पे प्रभाव अधिक है, तो ये अन्य राष्ट्रों के सर हितों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। ये तो जो WTO जो फंड देगा जी तो उसमें एथिकल मुद्दे नहीं आ रहे हैं अभी, एक देश दूसरे देश को जो फंड दे रहा है उसमें एथिकल मुद्दे आ रहे हैं जी, जिससे अभी श्रीलंका की स्थिति ठीक नहीं जी, तो वहाँ पर अगर कोई धन देता है तो उसमें क्या क्या मुद्दे आ सकते हैं? सर श्रीलंका की संप्रभुता कुछ हद तक प्रभावित, जैसे चीन सर उसको ऋण दिया है तो वहाँ पे वो सर अपने हितों को साध रहा है, वह एशिया प्रशांत मतलब हिंद प्रशांत क्षेत्र में वह सर अपनी पैठ बनाना चाहता है और भारत पर नकारात्मक प्रभाव डालना चाहता है सर। ठीक है सर, चलो ठीक है, थैंक यू दीपक जी, थैंक यू सर।